आज हम धमधा प्रखंड के परसमनी पंचायत में आए हैं। कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आज हम परसमनी के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 के भावी प्रत्याशी पूनम कुमारी पति श्री मुकेश कुमार शाह से बातचीत करेंगे कि वो मुखिया अगर जनता इस बार उन्हें जिताती है तो वो क्या क्या काम करेंगे और इस पंचायत में क्या कार्य बचा हुआ है जो उनके मुखिया बनने के बाद वो सारे काम को किया जा सकता है करवाएंगे। तो आपको हम अब मिलाते हैं श्री मुकेश कुमार शाह जी से, जो अपनी बेबाकी से जो सवाल हम लोगों का है उनका जवाब देंगे। जनता का सवाल का जवाब वो मीडिया के माध्यम से देंगे कि क्या कार्य करेंगे और जनता उनको इस बार क्यों जिताए। चलिए मिलाते हैं आपको हम श्री मुकेश कुमार शाह जी से, जो कि परसमनी पंचायत से इस बार उनकी वाइफ मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। तो क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शाह, परसमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। जी सर, पहला सवाल आपसे कि इस बार आपकी वाइफ मैदान में है जी, और क्या इस पंचायत में जल नल योजना की क्या स्थिति है? देखिए, सरकार का जल नल योजना जो है ना, रियल में धरातल पर नहीं है, क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ और उस तरह का उस क्वालिटी का पाइप नहीं दिया गया है, उस तरह का मशीन नहीं है, उस तरह का कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। कभी यहाँ लीक होता है, कभी वहाँ लीक होता है। नल जो लगाया है लोगों के यहाँ, नल जो लगाया है, नल जो है कहीं प्लास्टिक का है, कहीं लोहा का है, कहीं पीतल का है। बहुत सारा नल ऐसे घुमाता है लोग, तो पानी जो है टूट के गिर जाता है, पानी साफ नहीं आ रहा है। जिसके यहाँ नल जल योजना का प्लांट लगाया गया है जिसके ज़मीन में या सरकारी ज़मीन में, वहाँ पर आदमी जो रहता है वो बोलता है हमको पैसे नहीं मिलता है, हम क्या साफ करेंगे नहीं करेंगे। तब पर भी हम लोग अपने तरीक़ा से बहुत जगह जाते हैं, लोगों को बोलते हैं नहीं, जो भी आप लोग का समस्या है वो निदान होगा, लेकिन आप लोग चलवाइए बढ़िया से। हम लोग का कोशिश है कि जो है अच्छे से पानी चले, सभी को मिले सरकार का योजना का लाभ। लेकिन सरकार के यहाँ से देख रेख वैसा विधि व्यवस्था कुछ नहीं है। दे दिया सरकार हमारे यहाँ 7,81,00,000 का टेंडर था। विभाग की गलती है, पीएचडी डिपार्टमेंट की गलती है? हाँ, गलती है तो मान चलिए, अब सब कुछ सरकार के भरोसे ही नहीं चल सकता। अब हम कम से कम पंचायत लेवल पे उसको देख रेख करने के लिए निगरानी समिति का गठन करना चाहिए कि हाँ आप लोग का ये संपत्ति हुआ, आप लोग भी थोड़ा देख रेख कीजिए। उस तरह से कोई बात नहीं, सरकार का स्टाफ आता है जाता है, बस हो गया। हम लोग कितना मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि है, तब पर भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। जहाँ भी जो दिक्कत होता है कि यहाँ नल टूट गया है, यहाँ लीक हो गया है, यानी बारम्बार हर वार्ड में समस्या ही समस्या आता है। बराबर फ़ोन करते रहते, मिस्त्री को आता है ठीक करता है, फिर खराब हो जाता है, तो क्या कीजिएगा। आप अपने वार्ड में इस पंचायत में कितने सड़कों का निर्माण, सात निश्चय योजना के तहत नाली तो मात्र एक दो ठो बना है, लगभग जो है गली का रोड लगभग बनिए गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो विगत वर्ष अब आने वाला 2022 में वो भी हो जाएगा, और जो सात निश्चय योजना से नहीं हो पाया तो हम लोग जो है मनरेगा के तहत जो है दलित महादरी टोला में, हरिजन आदिवासी टोला में जो PCC ढलाई करवाए। कितने सड़कों का निर्माण अभी तक हुआ है? हमने अपने कार्यकाल में जो है लगभग 15-20 सड़क जो है मनरेगा योजना के तहत बनवाए हैं। ठीक, दूसरा सवाल आपसे कि कितने लोगों को इंदिरा आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? 5 वर्ष में ना सर जी, 5 वर्ष से हम लगभग 800 आदमी को आवास योजना का लाभ दिए हैं। 800 पाँच साल में? ये तो हमको लग रहा है कि किसी भी अभी तक जितने पंचायत में हम गए हैं जी, उससे कहीं ज़्यादा आपका टारगेट है। मेरा सबसे बड़ा पंचायत है, एक तो मेरा है, एक तो बिशनपुर, दो पंचायत बहुत बड़ा है सर। यहाँ की तादाद कितनी है वोटर? ये वोटर साढ़े अभी 8,600 कुछ वोटर है आपकी बार सर। 8,600 जी जी। आपने कितने पशु सेट का निर्माण करवाया? देखिए, पशु सेट योजना था कि मनरेगा के तहत है, उस योजना में लाभों को खुद पशु सेट बनाना पड़ता है, बना के तब जो है उसका वोचर बिल वोचर लगा के उसके ट्रेडर्स पे पैसा आता है। तो बहुत गरीब लोग के पास पैसा नहीं था, तो जो लोग अपने से बनाया उसका बिल वोचर लगा दिया, अभी तक पैसा मिला नहीं है। और बहुत को जो है
बनवाए हम लोग जो है गिट्टी बालू सीमेंट सब उधार दुकानदार से दिलवा के, आज 6 महीना हो गया, साल भर हो गया है, लगभग हम बनाए हैं 70-80 ठो बनवाए हैं ट्रेडर्स से, जो है सरसी ट्रेडर्स से और मिर्गन ट्रेडर्स से सामान मंगवा के उधार में बनवा दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भाई पेमेंट नहीं आया है। और कुछ पेमेंट आया भी है इधर 4-5 आदमी का, तो सब जो है ट्रेडर्स को जो है हिसाब जारी करके दिए हैं, लेकिन तब पर वो लोग का पैसा बाकी है। बोलता है बाबू मुखिया जी कहाँ हम लोग मंडेगाम फंस गए, तो हम लोग क्या बताए कि मंडेगाम इस तरह से जो है पशु सेट में फंसा जाएगा। आप अपने इस पंचायत में कितने तालाब का उद्धार किए हैं और कितने नए तालाब की खुदाई हुई? नए तालाब का खुदाई का सरकार का यहाँ से व्यवस्था नहीं था, यहाँ था कि पुराना सॉरी वो तालाब जो है बड़ा वाला जो है 5 कट्ठा 10 कट्ठा में जो तालाब होता है ना सर जी, हाँ उसमें हमने करवाए हैं 3 ठो तालाब का अभी तक में जीर्णोद्धार कराया। हाँ आपके पंचायत में कितने जो है स्ट्रीट लाइट लगा गया? स्ट्रीट लाइट हम लगवाए हैं पंचायत में भाई 86 ठो सर। 86 जी जी पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में जितना तो पैसा था सरकार का। रखरखाव हो रहा है ठीक ठाक? हाँ सर रखरखाव हो रहा है, गारंटी में 3 साल का गारंटी में सर वो 3 साल। हाँ जो भी गड़बड़ सड़बड़ होता है फ़ोन करते आता है वो अपना या तो नया लगाता है या तो ठीक करके फिर चले जाता है। ठीक करके जी जी जी। आपके पंचायत में जो जल नल योजना है उसमें जितने भी जो PSD डिपार्टमेंट से ये सारा काम करवाया गया है जी जी, लेकिन ये बातें सामने भी आई है कुछ लोगों का कहना है कि पानी बड़ा गंदा आ रहा है, रखरखाव की दिक्कतें हैं और इसका जो है समुची ढंग से जो उसका रखरखाव होना चाहिए या उसके लिए जो लोगों का चयन किया गया है वो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा ही कर रहा है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो है ना जो किया दिया था वहाँ से सरकार के अनुसार वो अभी तक लागू पंचायत में या वार्ड में नहीं हुआ है सर। वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर के द्वारा जो है उसका देखभाल करना था, उसका कुछ कॉस्ट था हर आदमी से वसूलना और उसी का उसे वो लोग को कुछ पैसा मंथली देना था, उसी का उसी रुपया से साफ सफाई करवाना था, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। कितने लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से आपने जोड़ा है अभी तक? हमने मुखिया प्रतिनिधि आज 10 साल से कर रहे हैं लगभग, अभी तक में हम 500 आदमी का वृद्धा विकलांग विधवा करवाए हैं, उसी के दया दृष्टि से हमने मुखिया अपने घर में अपने भाभी को बनाए थे पिछले बार 2016 में। गरीबों का जो भी काम था सुसबर थाना पुलिस का हो, कोर्ट कचहरी का हो, बीमारी का हो, शादी ब्याह का हो, श्राद्ध बड़की का हो, जो भी लोग अगर हमको बोलता है जहाँ तक होता है अपने पैसे से उनको मदद करते हैं, रात हो या दिन उसमें कोई मतलब नहीं, हमको पैसा से मतलब नहीं रखते हैं कि हाँ पैसा पैसा क्या पैसा तो बहुत लोगों के पास आया और कोरोना में मर गया, सारा पैसा रह गया, तो पैसा रख के लोग क्या करेगा, जब आदमी ही खुश नहीं रहेगा तो पैसा किस बात का। लोगों से क्या अपील करें, क्यों आपको फिर से जनता चुने या वोट दे, क्या कहना चाहिए? लोगों से अपील यही करना है कि मुकेश जी जो है आपके जब मुखिया नहीं थे तब भी आप लोग का सेवा दिन रात करते थे और मुखिया बनने के बावजूद भी किया, अब फिर करते ही रहेंगे, चाहे उनको वोट दीजिए अथवा नहीं दीजिए, उसका समाज सेवा करना कर्तव्य है मेरा। चाहे से क्या अपील करेंगे इस बार? अपील यही करना है कि जो भी समस्या आप कुछ भी बचा हुआ थोड़ा बहुत बचा हुआ, तो यही एक समस्या हमको नज़र में आ रहा है कि एक्चुअली में 2016 में जब मुखिया बने ना गरीब के पास राशन कार्ड नहीं था, लगभग गरीब के पास राशन कार्ड नहीं के बराबर था, हम अपने टाइम में लगभग आदमी का राशन कार्ड बनवा दिए हैं, 1-2% बचा हुआ है जिसके पास की खाता नहीं था या तो आधार कार्ड यहाँ का नहीं था मेरे पार्षदी पंचायत का, तो उन लोगों का समस्या था तो उन लोग का समस्या ठीक ठाक करवाने के लिए दिए हैं, उन लोग का बच गया 1-2%, लेकिन लगभग आदमी का बन गया है गरीबों का। अब उसको आवास सूची में नाम डालना है, बहुत लोगों का आवास सूची में नाम डलवा भी दिए हैं और जो शेष बचा हुआ उसको डाल के 2022-23 तक में लगभग गरीबों का हम इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से काम किए हैं, काम करेंगे। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल बिल्कुल उसके आधार पर हम तो जनता को यही कहते हैं ना कि अगर हम काम किए हैं, समाज सेवा किए हैं तो हमको वोट दीजिए, मजदूरी दीजिए, अगर नहीं किए हैं जो अच्छा लगता है वहाँ जाइए, तो बाद फिर पछताइएगा 5 साल, फिर तो मुखिया से आएगा, कोई भी मुखिया बने काम तो आपका मुखिया से करेगा, कोई मुखिया आपको आके नहीं कर सकता है ना। आपका अगर पिताजी मर गया, श्राद्ध मुखिया जी कराए, संपिंडर मुखिया जी कराए, बेटी ब्याह मुखिया जी करवाए मुकेश कुमार, तो फिर आप जाइएगा कहाँ, कोई मुखिया बन जाए, काम तो हम जो किए थे वही करते रहेंगे, कोई पंचायत में मुखिया बने, जो काम हम करते हैं वो करेंगे।
क्या परिचय है? मेरा नाम मुकेश कुमार शाह, मुखिया प्रतिनिधि पारसनी पंचायत धमदा प्रखंड जिला पूर्णिया। क्या नाम है आपका? पंकज शाह। कौन पंचायत है? पारसनी पंचायत। चुनाव है आपके यहाँ 20 तारीख को, अभी क्यों, कौन प्रत्याशी का ख्याल है आप लोगों का? हम लोगों का ख्याल है मुकेश कुमार शाह का। प्रत्याशी का क्या नाम है? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी, क्यों ख्याल है, क्यों? इसलिए कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, समाज सेवा किया है, काम किया है। हाँ, काम किया है सब क्षेत्र में, गरीब इंदिरा आवास, गरीब का हेल्प करता है। हाँ करता है, जब भी बुलाता है तब चले आता है। कैसा आदमी है? आदमी भला आदमी है। तो क्षेत्र का क्या मूड है कि क्षेत्र का भी मूड है कि जो है इस बार ही जो है पूनम कुमारी को विजय बनाना है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो मुख्य समस्या कुछ है? मेरे क्षेत्र में तो समस्या वही है, नाली का समस्या बहुत ज़्यादा है खराब। तो आप क्या पूनम जी अगर जीतती हैं तो बना देगा? वो जीतेगी तो बना देगा, वादा किया है। वादा किया जी। क्या नाम है आपका? पंकज शाह। क्या नाम है? श्याम पासवान। श्याम पासवान। कौन पंचायत क्षेत्र? ये पारसवानी। पारसवानी। आपका किस वार्ड में घर है? 2 नंबर वार्ड में। 2 नंबर। क्या समस्या है आपके वार्ड में? वार्ड में हमारा समस्या यही है कि थोड़ा रोड गड़बड़ है, रोड भी नहीं बना हुआ है, जो कि इसके अच्छे अथी में नहीं है, योजना में आ रहा है, वो दूसरे के योजना में आ रहा है। और 5 साल से हम लोग इतना दिक्कत खेप रहे हैं कि जो भी आदमी इससे जाते हैं तो पूरा ठोंगना भर पानी लग जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है कि इतना दिक्कत खेप रहे हैं कि हमारे प्रतिदिन कोई ऐसा सोच नहीं रहा कि हम इतना ठो काम करवाएं। आखिर क्यों नहीं हुआ? तो मुखिया जी को बताएं तो मुखिया जी यही बताया कि हमारे ये चीज़ हमारे क्षेत्र में नहीं है, इसलिए के वो नहीं कर पा रहे हैं। इस बार का क्या विचार? इस बार का विचार यही है कि इसका मुखिया जी इनको बनाए, मुकेश शाह को, पूनम देवी को, और वो हमारा जो दिक्कत है इसका उसका समाधान करें। तो आप पूनम देवी का क्षेत्र में लोग क्या कह रहे हैं कि उनको वोट देंगे? जी ये तो बता रहे हैं कि हमारा वोट है और उसको भी जितना भी जनता उसका सहयोग कर रहे हैं कि उनको वोट मिलना चाहिए। क्या नाम है? श्याम पासवान, पारसवानी। तकलीफ है, पानी लगल रहा, पानी बरसा हुआ, पानी भाग कि दौड़ना है, नाली खाती कुआरी करिए। नाली नहीं बनल ना, माँ देखो ना अभी कितना पानी, कितना गंदगी पानी में। आप मुखिया जी के पास गए थे? मुखिया जी का कह लिए, मुखिया जी करके नाली बनेबो है, वहाँ गंदगी कितना है, बीच में दूसरा आदमी चोरा के जमीन लिखी लिख के पानी न जमीन दे मोल है, पानी रास्ता हमारा लोग पानी बरसा बरसा तो अंगना घर में इतना पानी भेजा है, ज्यादा भेज थे। तो मुखिया जी से बात कर लिए, मुखिया जी की कहल? मुखिया जी कल के नाली बना दू। तो बनाया नहीं? नहीं बनल। इंदिरा आवास मिल रहे न? मुखिया काम अच्छा किया है? हाँ दिया हुआ तो सब मिली एक ना करे, खाली मुखिया नहीं है ना करे, हमारा लोग सब मिली का करे। क्या नाम है आपका? रेसुन खातून। हाँ परसमली। हाँ पंचायत। लीजी जमीन है तो सड़क के किनारे से बना देता नाला। नाला बने थे, नाला के ऊपर रहते तब नाला बने थे। नाला के लिए है ढेरी पैसा है, सड़क नाला के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। बने थे मतलब बनावे के आदेश देते सरकार मेंबर मुखिया समिति तब न बने थे। तो आप लोग मिले जाके मुखिया से? नहीं मुखिया से नहीं मिले। तो मिल के रखिएगा बात तब न करेगा वो काम, क्या परिवर्तन कीजिएगा? अच्छा ये मतलब पुरनका मुखिया खुश छे कि नाराज छे? मुखिया तो अभी मतलब बुझ मिला जुला के खुश है कि रोड रोड दिए हैं, रोड मेंबर को मेंबर बना दिए हैं, और कहीं पास करे तो पब्लिक ने बनाए दिए हैं, तो धरा है भरा उरा। मुखिया के बदलवे कि वहाँ मुखिया रहते? सबके कोशिश है बदले के, अब मतलब ये जनता करते वन होते। की नाम छो तोरो? हमरा असिया खाते। वार्ड नंबर? ना पारसमणि पंचायत।